हेलो दोस्तों, आज हम एक मॉनिटर ऑनलाइन किए थे, तो उसके आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये इंटर कंपनी का मॉनिटर है, इसको हम अपने पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए, रिसीविंग में लिखा है कि इंटरिंग कंपनी का है, लेकिन हम लोग इस कंपनी का रिसीव हो गया है, जिसके साइज 17 इंच दिखा रहा है और मॉडल नंबर है CPMI 100804 मॉडल, जबकि हम लोग ऑर्डर किए थे इंटेल कंपनी का। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसमें किस प्रकार का प्रोडक्ट हम लोग को रिसीव हुआ है। अब इसका अनबॉक्सिंग नहीं किए हुए हैं, देखिए खोल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें एक केबल है और एक HDMI पोर्ट है, पावर केबल। इसको खोल कर हम लोग देख रहे हैं क्या क्या रिसीव हुआ। यही दो है, HDMI दे दिया है, लेकिन हम लोग को दिखा रहा था कि VGA केबल देंगे। चलिए अब इनसे मॉनिटर को निकाल रहे हैं। इसमें एक स्टैंड लगाने वाला कुछ सामान है और एक स्टैंड बहुत बड़ा लग रहा है इसके लिए। चलिए अब इसको ओपन कर रहे हैं, इसमें क्या क्या है। ऑफ केवल एक साइड मॉनिटर ही होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखिए इसमें और कुछ नहीं है, हम लोग को प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए कंपनी में मिला है, जो कि हम लोग इंटर का ऑनलाइन किए थे। यह 17 इंची है, हम लोग 15 इंची साइज को ऑर्डर किए थे, मेड इन चाइना। और इसमें केबल पोर्ट देखिए यहाँ पर है, VGA केबल, HDMI और उधर पावर केबल है, और यहाँ पर स्टैंड लगाने के लिए कुछ प्रोडक्ट दिया है। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टैंड लगाने के लिए असेंबल करते हैं। स्टैंड लगाने के लिए इसमें से यह स्टैंड लगाने वाला उसको निकालेंगे, देख रहे हैं कैसे कैसे कनेक्ट होगा। शायद सबसे पहले इसको इधर रख कर एक के दो स्क्रू दिया हुआ है, और इसको शायद इधर अटैच कर और इसको टाइट कर देना होगा। चलिए हम लोग कर रहे हैं, तब वीडियो को बाद में आगे चालू करते हैं। देखिए फ्रेंड, हम इसमें कस दिए हैं इसको, और इसको स्टैंड पर खड़ा करने के लिए सबसे पहले इसको इसके अंदर अटैच करना है। देखिए इसमें घाट दिया हुआ है, और उसको उसमें घुसा कर थोड़ा सा पुश कर देना है और वह बैठ जाएगा। देखिए टंच हो गया, ये अब हिलेगा नहीं। अब इसके ऊपर मॉनिटर को रखकर इसमें इस घाट के अंदर जो साफ दिख रहा है इस घाट के अंदर वो मॉनिटर ऐड हो जाएगा। ये कर रहे हैं उल्टा वाला जी। देखिए जो सामने दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए ये अटैच होकर रेडी हो गया। चलिए हम इसमें पावर बटन देख ले रहे हैं, कौन कौन सा बटन दिया हुआ है। तो सिम वही सब बटन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पावर बटन, उसके बगल में डाउन, अप, मेनू और ऑटो बटन। मॉनिटर से पावर केबल कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, और कंप्यूटर में मॉनिटर में यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है उसके अंदर अटैच करेंगे। अटैच कर देंगे और उसे पूरी तरह अच्छी तरह से बैठा देंगे, और HDMI केबल को ऑन करेंगे, और जहाँ HDMI का पोर्ट दिया हुआ है उसके अंदर अटैच करेंगे। किसी भी केबल को, किसी भी साइड को इसके अंदर अटैच कर देंगे। अब इसको ले जाकर CPU के अंदर कनेक्ट करेंगे। हम लोग ने PC को पूरी तरह से सेटअप कर लिए हैं, अब इसको ऑन कर चालू करने के बारी है। चलिए हम लोग को चालू करते हैं। लाइट तो अभी नहीं हुआ है, सबसे पहले हम लोग अपने CPU से ऑन करते हैं, और देखिए स्क्रीन ऑन हो गया और हम लोग अपना CPU ऑन कर रहे हैं। और देखिए अब
अभी हमारा कंप्यूटर सिंगल स्क्रीन पर है, इसको डबल स्क्रीन पर चलाने के लिए सबसे पहले हम इसमें कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। उसको सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग विंडो पी के साथ एक साथ प्रेस करेंगे और उसमें जाकर स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करेंगे और दोनों स्क्रीन को एक साथ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए दोनों स्क्रीन एक साथ कंट्रोल हो रहा है और इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो और कमेंट कीजिए अगर कुछ इसके आगे जानकारी कुछ चाहिए तो। देखिए स्टैंडर्ड में इस स्क्रीन से इस स्क्रीन पर मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, इसको गेमिंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो हम कंप्यूटर को यहीं तक इस वीडियो में यहीं तक बताते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए।